गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। दिवाली के त्योहार को लेकर जहां लोग अपने घरों में कुछ दिन पहले से ही साफ सफाई में लग गए थे, वहीं त्योहार खत्म होते ही गुरुग्राम की सड़कों में गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। जी हां, जहां एक तरफ साइबर सिटी गुरुग्राम नीट एंड क्लीन सिटी में शुमार है, लेकिन तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नजारा प्रशासन के दावों को पलीता लगा रहा है। ये तस्वीर गुरुग्राम के मदनपुरी की है, जहां त्योहार का सारा कूड़ा खुले सड़क पर डाला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस ओर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं जा रहा है, जिसका जायजा लिया संवाददाता आकाश खुराना ने। दीपावली के मौके पर जहां लोगों ने अपने घरों को तो सजाया, लेकिन उसके बाद गुरुग्राम शहर की जो इस समय व्यवस्था है वो आप साफ तौर पर मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के मेन मदनपुरी रोड पर, जहां आप देख सकते हैं कि कूड़े का जो ये ढेर है किस तरीके से यहां लगा हुआ है। और यहां पे जो आसपास दुकानदार हैं उनका भी यही कहना है कि पिछले चार दिन से जो है ये कूड़े का ढेर यहां पे लगा हुआ है। और अब यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गायें जो हैं ये थैली जो है यहां पे खा रही है, जिससे कि साफ तौर से बीमारियाँ जो है हो रही हैं। यहाँ पे आसपास दुकानदारों को भी जो है इसका सामना करना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनको भी जो है इसका सामना जो है करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस कूड़ा का जो ढेर लग रहा है इससे कहीं ना कहीं बीमारी भी जो है पनपती है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम प्रशासन की नींद कब खुलती है और कब यहाँ से ये कूड़े का ढेर जो है हटता है। इस गंदगी से आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कूड़ा गिरा हुआ है, मेरे वाले कहते तो है थोड़ा भैया सफाई कर लो। अब चार दिन से पहले विश्वकर्मा डे था कि भाई कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, तो इस वजह से कूड़ा रह गया। कल फिर इनकी छुट्टी पड़ेगी, आज संडे है आज छुट्टी है, तो क्या करें, कूड़ा इकट्ठा हो ही गया। ध्यान तो देते रहते हैं, जो पुराने बंदे थे पहले तो सफाई रहती थी, जो सरकारी बंदे थे वो तो ध्यान देते रहते थे। परेशानी हो रही है क्या? परेशानी तो हो ही रही है, सबको ही हो रही है, रोड पे चलने वाले को भी हो रही है, हमारे को भी हो रही है। अब दिक्कत ये है कि भाई कोई उठाने वाला ही नहीं है, क्या करें। कूड़ा तो दुकान के सामने यहाँ डाल रखा था, यहाँ तो कूड़ा डाल रखा था ना, तो सफाई करके दुकान लगाया हूँ, मेरे तो काम करना था। कितने दिन से ये कूड़ा पड़ा है? कूड़ा तो कल परसों से पड़ा है, कोई उठाने अभी तक नहीं आया। नहीं अभी तो नहीं आया, कल एक्ट्रा ले गया था, तो एक्ट्रा ले के बाद सबका छुट्टी हो गया, छुट्टी होने के बाद कोई आया ही नहीं। नगर निगम भी क्या करे, पब्लिक ही समझदार नहीं है, रेगुलर रोज यहाँ पे कूड़ा डालने की जरूरत ही नहीं है किसी को। जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं कूड़े का ढेर जो है, ये तो फिर भी दो दो तीन तीन दिन बाद ट्रैक्टर लगा के उठाते हैं, पर पब्लिक ही पता नहीं कौन सा कूड़ेदान, जहाँ पे जरा सा कूड़ा डालने लग जाए वहाँ पे सारे फेंकना चालू कर देते हैं। डस्टबिन का मैनिपुलेशन तो सारी जगह होना ही चाहिए। शहर में कहीं आपने डस्टबिन देखे आज तक? गुरुग्राम में, गुरुग्राम में एक दो तो लगे हुए हैं भैया, बाकी सारे के सारे जबरदस्ती लोगों ने खत्ते ही बना रखे हैं। कूड़े के खत्ते से बीमारी पनप रही है। आम जन का कहना है कि दिवाली की वजह से लोग कूड़ा खुले में डाल देते हैं, लेकिन निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिए। गुरुग्राम सिवी न्यूज के लिए आकाश खुराना की रिपोर्ट।